कैसे हो? सब बढ़िया, वेरी गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कोई चीजें। प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोजीशन पढ़ा, और मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो भी सबमिशन दिया है उसको प्रॉपर वे में कॉपी में नोट करना, ये ध्यान रखिएगा सब लोग, अच्छे से नोट करना है। और जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया कृपया वो कॉपी में नोट करें, राइट। टुडे वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, प्रैक्टिकल पोर्शन। अब यहीं से हार्डकोर अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। बहुत ध्यान से रामायण देखते हुए बिल्कुल भी नहीं ये वीडियो देखना है। ये वीडियो आपको एकांत में आराम से बैठ के तब समझना होगा। देखो बच्चों, क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लास 11th वो एंड था, नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो एंड है, और उस चीजों में हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने क्या बनाया? फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल। फिर हम लोगों ने क्या बनाया? नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, एंड लास्ट वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ये काम हम लोगों ने किया था विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। लॉस हम नहीं लिखते क्योंकि हम ये मान के चलते हैं प्रॉफिट ही होगा, मेहनत की गई प्रॉफिट होगा, लॉस आ सकता है, नो इश्यू। यहां से डिस्कशन होता है नेट प्रॉफिट का, एंड द ग्रॉस प्रॉफिट फाइनली ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नेट प्रॉफिट गोज टू योर कैपिटल। आपकी कैपिटल को वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, बिकॉज जिसने पैसा लगाया है भाई उसी को उसका हक है। ये हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप में डिस्कशन किया हुआ था बहुत इत्मीनान से। बैलेंस शीट वी प्रिपेयर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स वी डिडंट डिस्कस द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट वी टॉकिंग अबाउट द फाइनल अकाउंट्स ऑफ फर्म्स। अब आप कहेंगे सर ना ट्रेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, ना पीएल डिस्कस कर रहे हैं, ना बैलेंस शीट डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कस क्या करना है? इसमें से कोई भी पैरामीटर डिस्कशन में नहीं है, ये ध्यान रखेगा। तो अब ये करना क्या करना है? फिर मुद्दा क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर का? मुद्दे को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से। क्या मुद्दे को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, हमने ये कहा बेटा बच्चों कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द केस ऑफ फर्म्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, एंड वी एक्सटेंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, नेट प्रॉफिट के बाद भी बढ़ाएंगे। मीन्स जो डिस्कशन अब होने वाला है वो विच लाइज इन बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब अब ये मिस्ट्री जो है वो इन दोनों के बीच में है। जो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वी डिस्कस, राइट। अब बहुत ध्यान से समझ लो, मतलब अब ये बात एक क्लियर होगी कि जो हमें पढ़ना है वो पीएल के बाद है बच्चों, और बैलेंस शीट के एकदम पहले है। देखो बोर्ड्स में कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है
तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी। और अगर आप एक ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे 50 क्वेश्चंस लगाते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 क्वेश्चंस आपने एक ही पैटर्न पे लगा, हम लोगों को 50 केसेस डिस्कस करने हैं। एक ही केस पे हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें बहुत एक एक चीज पे डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही एक्सटेंसिव या एग्जॉस्टिव लेवल पे, तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना। अब आइए, हमने क्या बताया कि जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये आपने बनाया और ये मान के चले कि इसमें आप सारे एक्सपेंसेस ले गए और ये सारी इनकम आ गई। अब ये दिमाग में एकदम बैठा के चलना है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है वो फर्म के हिसाब से हो रहा है, सारा डिस्कशन बच्चों फर्म के हिसाब से, ये दिमाग में बैठा के रखना। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं पढ़ रहे, और जो ये दिमाग में बैठे इसका मतलब एज्यूम कर रहे हैं वो क्लास 11th में, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग क्लास 12th में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे एक्सपेंसेस फर्म के, ये सारी इनकम फर्म की है और आपने इससे नेट प्रॉफिट निकाल लिया, कैरेट डाउन, नेट प्रॉफिट आ गया, फाइनली आ गया नेट प्रॉफिट। अब मजे की बात, कुछ एक्सपेंसेस है और कुछ इनकम हम यहां पर नहीं लेते, क्यों? देखिए इसका एग्जांपल देखिए, एक लॉजिक समझिए। आपके घर में मेहमान आता है तो आप पहले नहीं खाते, पहले मेहमान को सर्व करते, गेस्ट को सर्व करते। आप पार्टनर्स हैं, एग्जांपल रमेश एंड सुरेश, दोनों ने पार्टनरशिप डीड डिफाइंड की है, रजिस्टर्ड की है, साइंड की है, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, सब कुछ डीड में है। तो क्या ये सैलरी पे है? ये रमेश भी सैलरी पे है और सुरेश भी सैलरी पे है, बल्कि सुरेश को एक्स्ट्रा मिल रहा है कमीशन के फॉर्म में, बिकॉज ये मार्केटिंग का काम भी कर रहा है, उसको कमीशन भी मिलेगा टर्नओवर पे या नेट प्रॉफिट पे। तो अगर इनकी भी सैलरी, इनकी भी सैलरी है, तो क्या ये सैलरी और प्लस आपके स्टाफ की भी सैलरी होगी? बच्चों आपकी शॉप पे 10 लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी है, तो प्रायोरिटी फर्म की क्या बनती है? बिकॉज दे आर द ओनर, दे आर द पार्टनर्स। प्रायोरिटी ये होती है कि पहले हम गेस्ट को दें, पहले हम अपने वो खर्चे मीटअप करें जो पार्टनर से रिलेटेड ना हो। ऐसा नहीं कि जो भी पैसा है पहले सैलरी अपनी रख ली फिर इसके बाद स्टाफ की बात की, स्टाफ वर्क नहीं करेगा, बिजनेस रन नहीं करेगा, सब मामला जीरो, डिसोल्यूशन पे आप आ जाएंगे, सीधे उसी चैप्टर पे आ जाएंगे, नो एडमिशन, नो रिटायरमेंट, नो डेथ, सीधे डिसॉल्व हो जाएगा। बिजनेस रन करना है, स्टाफ को साथ लेके चलना है, तो स्टाफ को सैलरी चाहिए। तो पार्टनर्स ने कहा कि भाई जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम लोगों से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों से रिलेटेड है, हम लोग ड्रॉइंग्स करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लोगों से रिलेटेड है, सैलरी हम लोगों से रिलेटेड है, कमीशन हम लोगों से रिलेटेड है। तो ये सब हम तब प्रॉफिट में से निकालेंगे जब हम सारे स्टाफ की सैलरी, रेंट, जितना भी बिजनेस का खर्चा है सब हो जाएगा, तब हम अपने बारे में बात करेंगे। तो यहां पे पार्ट पीएल अकाउंट को दो हिस्से में डिवाइड किया गया, जैसे हमने पहले बताया एक्सटेंशन है, तो पीएल में ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसमें पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम है ही नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी, नो कमीशन, नथिंग। क्यों? पार्टनर्स का पहले सब हिसाब किताब घर का, बिजनेस का कर दें, उसके बाद जो बचेगा वो मेरा है, उसके बाद जो बचेगा वो मेरा है।
बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, इस वजह से पीएल अकाउंट को एक्सटेंड किया गया, और जब एक्सटेंड किया गया तो यह कहा गया कि प्रॉफिट जो बचेगा वही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जितना भी है वो अलग से पीएल के सेकेंड पार्ट में जाएगा, जिसको हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। अब आपको रीजन समझा, लॉजिक समझाऊंगा भाई, वी प्रिपेयर द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस वजह से बनाते हैं ताकि पहले बिजनेस के सारे खर्चे निकल जाएं, बिजनेस की सारी इनकम इनकॉर्पोरेट कर लें, जब बचेगा तब हम खाएंगे। गेस्ट चले गए, अब जो बचा वो मेरा, अब इसको हम डिवाइड करेंगे आपस में। बात एकदम बच्चों समझ में आई? तो पीएल अकाउंट आ गया, देन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, ये लिखना बहुत जरूरी है, साल के अंत में ही बनता है, हिसाब किताब सब साल के अंत में होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और इस तरह करके फॉर्मेट हम बनाएंगे। बात समझिए, अभी हम बहुत रफली यूज कर रहे हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है कैरेट डाउन, ये कैपिटल में नहीं जाता जैसे सोलो प्रोप्राइटर में जाता था, ये कहां जाएगा, अब जो बचा है ये प्रॉफिट, अब बचा, सारे बिजनेस के खर्चे निपट गए, स्टाफ की सैलरी वगैरह निपट गई, लेकिन पार्टनर्स की सैलरी बाकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स से रिलेटेड बाकी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स से रिलेटेड बाकी है, क्योंकि पार्टनर्स का भैया हम लोग का हिसाब किताब सबसे लास्ट में करेंगे। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ये सिर्फ फर्म फर्म बना रही है, इन द बुक्स ऑफ फर्म इज ए पार्ट बी ऑफ द पीएल अकाउंट, इज ए एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी नेट प्रॉफिट आया इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। और इसमें अब जो भी हम लेंगे, दीज आर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज। चार्ज तो भैया सैलरी होती है स्टाफ की, चार्ज रेंट होता है, चार्ज डेप्रिशिएशन होता है, चार्ज टेलीफोन बिल होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे, ये सब चार्ज है। चार्ज खत्म होने के बाद जब सारे खर्चे निपट गए, जिसमें अब खर्चे बाकी क्या है, इनकम क्या बाकी है, वो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड है, रमेश और सुरेश से रिलेटेड है, वो सारी इनकम, वो सारे एक्सपेंस, वो अब पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएंगे। नाम से लग रहा है अप्रोप्रिएशन मींस अप्रोप्रिएट करते हैं, अब जो बचा अब तुम इतना लो, तुम इतना लो, तुम इतना लो, तुम इतना लो, अब समझो भाई कैसे क्या करना है। बहुत ध्यान सुनने वाली बात, समझने वाली बात, कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द पीएल अकाउंट, एंड द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड टू द पार्टनर्स, द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स बिटवीन द फर्म एंड पार्टनर्स goes to directly this account, hits the directly this account, appropriation account, because ये जितने भी expenses partner से related appropriation है, बचेगा तो मिलेगा, और these are the charge, तो staff की salary मिल जाए वो जरूरी है, हम लोग को salary मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं पीएल appropriation account बना के। बात समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गया एकदम? Why we prepare PL appropriation account? The whole chapter is totally based on this particular account. In this chapter we prepared only PL appropriation account, और इसी का हमें postmortem करना है, इसी को हमें अलग करना है, एक एक टर्म्स इसका अलग से हमें समझना है, एक एक टर्म। अभी टर्म्स के बारे में हमने कोई बात नहीं की, लेकिन एकदम क्लियर कर लीजिए कि स्टाफ की सैलरी होगी तो पीएल में जाएगी, एंड इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड पार्टनर सैलरी इज ए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दीज आर द गेस्ट एंड वी आर द ओनर्स। तो जो भी अब सैलरी पार्टनर्स की होगी वो किसमें जाएगी,
अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और स्टाफ की सैलरी किस में जाएगी? पीएल अकाउंट। कोई भी भारी खर्चा बिजनेस एक्सपेंसेस गोज टू पीएल अकाउंट, एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर्स गोज टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एकदम समझने वाली बात, तो पहले ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक एक टर्म्स डिस्कस होंगे इंडिविजुअली। बहुत तेजी से नहीं भागना है, बहुत टाइम है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बहुत जल्दी से कवर कर लो रिव्यू, कोई मतलब नहीं। अगर आपने बहुत अच्छे से एक चीज को नहीं पढ़ा तो बोर्ड्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, इसीलिए वी हिट द कॉन्सेप्ट्स, वी हिट द कॉन्सेप्ट्स कि होता क्या पील अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डायरेक्टली मैं भी चाहता तो पील अप्रोप्रिएशन अकाउंट लाइन खींच के यहां पे नेट प्रॉफिट ड्रॉन बेटा ये खर्चे लिख देता और बेटा इसको ऐसे सॉल्व करते। सॉल्व करना इज नॉट अ बिग इशू, हुआ क्यों, आया क्यों, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझना और इसी पे ध्यान देना है, और पूरी पार्टनरशिप हम लोग ऐसे ही समझेंगे। क्लियर है बच्चों? देखिए लगातार क्लासेस लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से करेंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज इससे रिलेटेड जितना भी है वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलता रहेगा हर वीडियोस के बाद। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।